आज हम लोग बिजनेस स्टडी का 2022 में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सॉल्व करवा दे रहे हैं। अब बहुत बच्चा ये सोच रहा होगा 2022 का क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये थ्योरी का पेपर है, इधर रिपीट कर जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर जाता है। तो आप तय मानिए आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में भी रिपीट करेगा। और ऐसे बिजनेस स्टडी के 5 मॉडल पेपर हम लोग लेकर आएंगे, उसमें से एक सेट 1 है ये, और 4 सेट और है। इसका मतलब अगर 40-40 करके देखा जाए तो 5 सेट का मतलब एक सेट में 40 क्वेश्चन, तो 5 सेट में 200 क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा 200 क्वेश्चन बिजनेस स्टडी का तैयार कर लेगा तो उसको अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है 17 अप्रैल से, उसमें कहीं दिक्कत ही नहीं होगा, उसका BST एकदम 100% उसी से आएगा, उससे बाहर जाएगा नहीं। कोई दिक्कत है? बहुत सारे बच्चे YouTube पे कमेंट कर देते हैं कि सर अगर 100% मिल जाएगा तो आप ही से ट्यूशन ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो खैर वो कोई दिक्कत नहीं, आप गारंटी है 100% मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। बस इसके अलावा दूसरा दायां में ना झांके इसको पूरा पढ़ना है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिपीट कीजिए उसको, कोशिश कीजिए लिखने का भी। अगर समय आपके पास है तो आप वीडियो को चला के आराम से लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से ना ये एक्टिव रहता है। सुनने के बाद बहुत सारा चीज़ सुनते हैं, सुनने के बाद भूल जाता है इंसान, लेकिन जब आप लिख लेंगे अपने कॉपी में तो उस समय लिखते समय ध्यान दीजिएगा, ध्यान इधर उधर रहेगा तो आप लिख नहीं पाएगा। लिखने के समय 100% फोकस होना चाहिए, तो आप पढ़ोगे, कंटेंट को समझोगे, फिर लिखोगे, तो लिखने का आदत डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप लोगों को मालूम है, बिजनेस स्टडी सबको पढ़ना है, ये सब हमको बताने की जरूरत नहीं है। 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 40 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे में एग्जामिनेशन कंप्लीट कर देना है। OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना है, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो सही आंसर होगा उसको भरना है, रंग करना है, यही ना है। ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बॉल पेन का, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन आपके साथ लिखा रहता है, जेल पेन से गलती से भी ना भरे। सारे क्वेश्चन अनिवार्य हैं, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल मतलब है कि कोई ऑप्शन में आपको चॉइस नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन अनिवार्य है। हर क्वेश्चन में 4 विकल्प होंगे, 4ों में सही आंसर आपको चुन के और OMR सीट में उसको भर देना है, कोई दिक्कत है? तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा एक और चीज़ है कि आपको अपना OMR सीट वहाँ सबमिट करके एग्जामिनेशन हॉल से निकलने से पहले जो वहाँ एग्जामिनर हैं, टीचर होंगे या जो भी चेक करने वाले होंगे, उनको अपना OMR सीट दे देना है। OMR सीट में गलत कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं भरना है, उसको मोड़ना नहीं है, उसको फाड़ना नहीं है, नहीं तो OMR चेक नहीं होगा, जैसा इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा रहता है, क्लियर? तो इसको पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में भी। देखिए यहाँ लिखा है कि कृपया परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को लौटा दीजिए, प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर आपको लेते आना है लेकिन OMR वहीं छोड़ देना है, ऐसा ना कि OMR भी लेते आ जाएँ तो घर में चेक होगा, तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन ही देख रहे हैं, हम लोग इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे, ऐसा नहीं कि खाली हम ये बता देंगे कि डॉट 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 इक्वल टू ट्रेड प्लस एक ज्वेलरी ऑफ ट्रेड, ऐसा नहीं बताएंगे, इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर 5 क्वेश्चन बताएंगे, एक ना पूछा है 2022 में, जो 4 है उसका चांस बनता है ना इससे कि 2-4 क्वेश्चन जो और बन सकता है वो पूछेगा 2023 में, तो इसलिए एक क्वेश्चन ही, एक से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन। तो हम लोग एक बात आपको पढ़ाए थे जब बिजनेस स्टडी स्टार्ट में पढ़ा रहे थे सारे बच्चे को, कि अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें ना, कॉमर्स के अंदर दो चीज़ आता है, कॉमर्स के अंदर दो चीज़ आता है, एक आता था ट्रेड व्यापार और एक आता था फैक्टर ऑफ ट्रेड, जिसको एक्जुलरी ऑफ ट्रेड बोलते हैं, व्यापार के तत्व, यही आता था। यानी कॉमर्स को दो पार्ट में बांटा गया, पहला पार्ट है ट्रेड व्यापार और दूसरा पार्ट है फैक्टर ऑफ ट्रेड, जिसको हम एक्जुलरी ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अब बताइए वहाँ डॉट 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 में क्या भरेगा? कॉमर्स बराबर दोनों, हाँ या नहीं? कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है। कॉमर्स यहाँ भराएगा, क्या भराएगा? कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड प्लस एक्जुलरी ऑफ ट्रेड, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कहलाता है कॉमर्स। अब समझिए इसका मीनिंग, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, हिंदी में बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है व्यापार का, बताइए व्यापार किसको बोलते हैं? बोलता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड ट्रेड, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। फिर से रिपीट करेंगे हम, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? व्यापार। अगर कोई व्यक्ति लाभ कमाने के लिए किसी जगह से, किसी एक स्थान से वस्तु और सेवा यानी गुड्स और सर्विसेज खरीदता है और दूसरे को बेचता है, यही काम है, वहाँ से खरीदेगा यहाँ बेचेगा, वहाँ से खरीदेगा यहाँ बेचेगा, किसके लिए? लाभ कमाने के लिए। तो इस काम को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड व्यापार, और जो व्यक्ति इस काम को करता है उसको व्यापारी बोलते हैं। और आप सुन, सब लोग जानते हैं सब्जी का व्यापारी क्या करता है, खुद सब्जी उगाता है या किसान से खरीद के कस्टमर को बेच देता है? वो खुद सब्जी नहीं उगाएगा, वो व्यापारी कैसे हो जाएगा? अगर सब्जी खुद उत्पादन करेगा तो व्यापारी नहीं होगा, व्यापारी वो व्यक्ति होगा जो खुद सब्जी नहीं उगाएगा,
सब्जी कोई किसान उगाएगा, उसके खेत से खरीदेगा और जाके दुकान कस्टमर को बेचेगा, अरे बीच बीच में क्या करेगा, वो जितने में खरीदा उतने में बेचेगा या प्रॉफिट कमाएगा। तो वैसे काम को व्यापार बोलते हैं और जो व्यक्ति इस काम को करता है उसको व्यापारी बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब है कॉमर्स के अंदर व्यापार का काम भी शामिल है और एक्सिलरी ऑफ ट्रेड का काम भी शामिल है। फैक्टर ऑफ ट्रेड क्या है? तो फैक्टर ऑफ ट्रेड का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो ट्रेड के काम में मदद करते हैं। अच्छा, कौन कौन सा फैक्टर है जो व्यापार के काम में मदद करता है? अगर वो नहीं रहता तो व्यापार नहीं होता। तो बताइए, बैंक अगर नहीं रहता तो व्यापार होता क्या? बताइए, बैंक हटा दीजिए, व्यापार से, बिजनेस से बैंक को हटा दीजिए, बैंक नहीं है तो बिजनेस चलेगा? आज गांव में बैंक नहीं, गांव में बड़ा बिजनेस नहीं चलता, और उसी गांव में अगर बैंक आ जाए तो बिजनेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि किसान देखा, बैंक गया, किसी दिन देखा लोन मिल रहा है, ब्रांच मैनेजर से बात किया, बोला सर लोन दे दीजिएगा, बोला हाँ, तो लोन ले लिया, खेत पूरा खाली था, उसमें लगा दिया सब्जी, और सब्जी लगा के बेच के कमा रहा, फूल की खेती कर रहा, पैसा हाथ में आएगा तब ना, और पैसा कहाँ से आएगा? अब मान लीजिए मशीन ही खरीद रहा है दिल्ली से मशीन खरीद रहा है दिल्ली, वो जाना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि पैसा हम यहाँ से डाल दे उसके खाते में और मशीन वो भेज दे, तो कहाँ से डालेगा? बैंक रहेगा तब ना डालेगा। तो बैंक बिजनेस को सपोर्ट करता है, इंश्योरेंस बिजनेस को सपोर्ट करता है। अगर इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। कोई 1 करोड़ की फैक्ट्री लगा रखा है, सोचो रोज़ उसका धड़कन धक धक करेगा कि पता नहीं आग लग गया शॉर्ट सर्किट से तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो क्या करेगा बताओ? इंश्योरेंस करा के निश्चिंत रहेगा कि चलो बीमा करा देते 1 करोड़ का, कुछ प्रीमियम ही देना पड़ेगा, कुछ पैसा देंगे, रिस्क तो हट जाएगा ना। रोज़ दो धड़कन, बताओ हार्ट अटैक आ जाएगा कभी भी? जिस हिसाब से वो लोग का हार्ट बीट होता है, कहीं बोल दिया तुम्हारे फैक्ट्री में 1 अप्रैल था, बोल दिया सुबह सुबह का फैक्ट्री में लग गया आग, तो आदमी मर जाएगा। बाद में पता चला 1 अप्रैल था, तो जिंदा नहीं होगा वापस कि जिंदा हो जाओ, मर जाएगा हार्ट अटैक से। तो क्या करता है? बोलता है इतना रिस्क कौन लेगा भैया, हम इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, हम इसका इंश्योरेंस करा देते हैं कि अगर डूबेगा आग लगेगा तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। अब 1-2 लाख का नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन 1 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। तो यहाँ इंश्योरेंस करा लेता है अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो बैंक चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। बताइए कोरोना में रोड में गाड़ी चलना बंद या इलेक्शन के समय गाड़ी चलना बंद होता है, कितनी परेशानी होती है, सब्जी महंगा, सब महंगा हो जाता है, भाड़ा महंगा हो जाता है, हजारीबाग आना महंगा हो जाता है आपका, हाँ या नहीं? जहाँ 50 लगता है वहाँ बोलता है 100, वो भी ऊपर बैठा के लाता है नेचुरल एसी में कि ऊपर बैठ के आओ, नहीं तो जगह नहीं है, नहीं जाना मत जाओ, ऑप्शन दिक्कत होता है कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा ना तो बिजनेस नहीं चलेगा। एक छोटा एग्जांपल देख लो, जिस जगह पे कोई रोड ठीक नहीं है ना, वहाँ पे देखना कोई बिजनेस नहीं बनता है, और उसी जगह पे अगर बढ़िया नेशनल हाईवे बन गया ना तो देखना अगल बगल में, नेशनल हाईवे के अगल बगल में ऑटोमेटिक गुमटी उमटी धीरे धीरे गुमटी डालेगा, देखेगा धंधा चल रहा है, फिर अपना होटल बना देगा और बिजनेस शुरू। तो ट्रेड के काम में ये सारे फैक्टर मदद करते हैं। तो हम लोग बताए थे आपको कि फैक्टर ऑफ ट्रेड के अंदर 5-6 फैक्टर्स आते हैं और ट्रेड का काम, अब समझ आ गया सबको? अब पूछ देगा ट्रेड क्या है, तो ट्रेड का मतलब परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड ट्रेड। कहीं कोई दिक्कत है? अब चले आगे, तो ये हम लोग व्यापार के बारे में समझ गए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर्ड कैपिटल। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन होता था, तीन काम ऐसा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, यानी पैसा कमाने के लिए इस दुनिया में लोग तीन ही काम करता है, या तो रोज़गार करता है, कहीं नौकरी करता है, या तो वो प्रोफेशन, हम लोग जैसे प्रोफेशनल है, डॉक्टर प्रोफेशनल है, वकील प्रोफेशनल है, और या तो वो बिजनेस करता है। तो ये तीनों में किस में पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ता? क्या बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं चाहिए? चाहिए। हम लोग प्रोफेशन में, हम लोग को भी तो पैसा लगा, सेंटर बनाना पड़ा, लेकिन नौकरी करने के लिए पैसा चाहिए? उसके लिए शरीर चाहिए, शरीर से खटना पड़ेगा भैया। अब किसी के हम नौकरी करना चाह रहे हैं, तो हम नौकरी करना चाहे तो हमको पूंजी थोड़ी लगाना, पूंजी मालिक ना लगाएगा, हमको जाना उसके यहाँ काम करना। तो बोलता है कि इसमें कौन ऐसा काम है जिसमें पूंजी नहीं चाहिए, कौन सा ऐसा काम है? अब जो बच्चा दिमाग लगाएगा, सोचेगा, वो बिना पढ़े भी आंसर लिख देगा कि भाई नौकरी करने के लिए कौन सा पूंजी चाहिए, लेकिन बिजनेस खोलने के लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा पूंजी इसमें से किस में चाहिए? तीनों काम में बिजनेस में सबसे ज़्यादा पूंजी बिजनेस में चाहिए, उसके बाद प्रोफेशन, और उसके बाद। अच्छा चलो ठीक है, एक चीज़ बता दिए, सबसे ज़्यादा बिजनेस में चाहिए, फिर प्रोफेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट में पूंजी नहीं चाहिए, दो चीज़ सीख गए। तीसरा, बिजनेसमैन जो मेहनत करता है उसके बदले में उसको क्या मिलता है? तो बिजनेसमैन का जो रिवार्ड है, रिवार्ड समझते हो, मेहनत के बदले में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। इसके लिए मरता है ये, दिन रात जो बिजनेसमैन काम कर रहा है उस किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। वो हर चीज़ में देखेगा कि हम इधर फायदा हो रहा है, उधर प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट लॉस देखेगा। अच्छा, प्रोफेशनल आदमी ये लोग प्रॉफिट कमाता है? नहीं, हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं कि इनकम कमाते हैं? तो हम लोग दिन रात मरते रहते हैं इनकम के लिए, यानी हम लोगों का जो कमाई है
जो मेहनत करने के बदले में हमको जो मिलता है उसको हम किस नाम से लिखते हैं? इनकम। बिजनेसमैन को जो मेहनत करने के बदले में मिलता है उसको किस नाम से लिखता है? प्रॉफिट। और एम्प्लॉयमेंट में मेहनत करने के बारे में मिलता है ये हम लोग बोलते हैं सैलरी, और कुछ कुछ लोग इसको वेजेज भी बोलते हैं, मजदूरी, वेतन या मजदूरी। तीन चीज़ समझ गए? यानी अगर पूछ देगा कि एम्प्लॉयमेंट में काम करने के बदले जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, तो या तो सैलरी या वेज। प्रोफेशन में काम करने के बदले जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? इनकम। और अगर बिजनेस में काम करने के बदले कुछ प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। कोई दिक्कत है? फिर बता दें, इस दुनिया में जितने इंसान हैं पैसा कमाने के लिए ये तीन ही काम कर रहा है, चौथा कोई काम नहीं है, चौथा कोई काम ही नहीं है, ये तीन काम कर रहा है, या तो वो प्रोफेशन में है, या तो एम्प्लॉयमेंट में है, या तो बिजनेस में। अच्छा, चोरी करना किसके अंदर आएगा? किसी का काम है चोरी करना? हाँ, दो तरह के चोर होते हैं, एक भाड़े वाले होते हैं और एक अपने वाले होते हैं। जिसके अंदर खुद का टैलेंट होता है ताला कैसे तोड़ना है, तो वो जो लोग खुद टैलेंटेड होते हैं और अपने लिए काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? और कुछ चोर ऐसे होते हैं जो मालिक कोई और होता है, वो बोल दिया जाओ उसके घर में, तुमको 25,000 रुपये सैलरी दे रहे खाली चोरी करने का, चोरी में फ़ायदा हो या ना हो तुमको 25,000 मिलेगा भैया। तो बताओ ऐसे में क्या है, वो मजदूर है ना जी, वो 4,00,000 तोड़ के लाख चोरी करके ला के देगा तो भी उसको 25,000 मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो एम्प्लॉयमेंट, और नहीं तो ज़्यादातर चोर किस में आते हैं? प्रोफेशनल। अच्छा, पेंटर लोग कहाँ आता है? जो पेंटिंग करता है प्रोफेशनल लोग होता है ना। और कुछ पेंटर एम्प्लॉयमेंट में भी होता है, जैसे हम पेंटिंग का दुकान खोल करके हम पेंटर को 10,000 सैलरी में रखें, अब तुमको भैया दुकान का अपना पेंट कराना है पूरा, तो बोला कि सर हमको पेंटर भेज दीजिए, नाम लिखवाना है पूरा दुकान का, तो हम भेज दिए और उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो वो पेंटर क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट में है। लेकिन कुछ पेंटर बोलता है हम कहीं नौकरी नहीं करेंगे, अपना खोलेंगे, यानी अपना दुकान खोल के रखा है, खुद जाता है, खुद मेहनत करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। तो इस दुनिया में जो भी काम लोग कर रहा है ना पैसा कमाने के लिए, वो यही तीनों काम कर रहा है, या तो एम्प्लॉयमेंट, या तो प्रोफेशन, या तो बिजनेस। बिजनेस का मतलब, बिजनेस का मतलब है किसी सामान को बनाना और बेचना। फिर से सुनना, बिजनेस का मतलब है किसी सामान को बनाना और बेचना, उसको बिजनेस कहते हैं। यानी किसी सामान को हम बनाते भी हैं और बेचते भी हैं, और अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो समझो हम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मिठाई दुकानदार क्या करता है, मिठाई बनाता भी और बेचता भी, तो वो पक्का बिजनेसमैन है। प्रोफेशन के अंदर बोलता है कि अगर आप अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने हुनर से पैसा कमाते हैं तो उसको प्रोफेशन बोलते हैं। डॉक्टर क्या करता है, शरीर लगाता है कि दिमाग लगाता है? बोलता है अपने नॉलेज से पैसा कमाता है, उसको इतना ही पता है खाली कि अगर बुखार लगा है तो कौन सा दवा चाहिए। खाली पैरासीटामोल खाना रहता है तो आदमी 800 रुपये का ही देता है डॉक्टर को जाके। मतलब है कि कोई बीमारी अगर है हमारे शरीर के अंदर तो कौन सा दवा हम ले कि हम ठीक हो जाएंगे, अगर इतना हमको पता होता तो क्या 800 रुपये डॉक्टर को देते? तो डॉक्टर को इतना ही ना पता है कि नॉलेज उसके पास है, बस उसी नॉलेज का वो पैसा कमाता है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि दूसरों के लिए काम करेंगे और बदले में अगर पैसा मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। कहीं कोई दिक्कत है? दो क्वेश्चन बताओ, दो क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया इसलिए बहुत तेज़ी से हम लोग चलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर रेगुलरली एंड गेट रेमोनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज, यही तो इसमें भी था। अच्छा देखो, घुमा के एक ही चीज़ पूछ दिया है, ऐसा काम जिसमें पूंजी नहीं चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट, अभी समझा रहे थे, ऐसा काम जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है बदले में सैलरी लेता है कौन सा काम है? एम्प्लॉयमेंट ही होगा, सेम ना होगा? अभी तो समझा चुके हैं कौन सा काम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। यहाँ देखिए, दूसरे के लिए काम करता है और बदले में क्या लेता है? सैलरी। देखिए आगे हिंदी में लिखा होगा कि ऐसा काम जिसमें लोग दूसरे के, देखो ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में पारिश्रमिक, पारिश्रमिक मतलब सैलरी होता है, तो ऐसा कौन सा काम है? रोजगार। वही है रोजगार। अभी तो देखिए दो क्वेश्चन सेम एक चीज टॉपिक से पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इसमें से कौन ऐसा है जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा काम है जिसको बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाना चाहिए? चलिए बताइए कौन कौन सा काम है। ऑप्शन नंबर वन, पहला ऑप्शन में क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट। दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी। तीसरा ऑप्शन है इनोवेशन। और चौथा ऑप्शन है प्रॉफिट अर्निंग। तो कौन सा ऐसा काम है, आप लोगों को बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बता चुके, बिजनेस है तो बताओ प्रॉफिट अर्निंग होगा कि नहीं, बिजनेस है तो प्रोडक्टिविटी होगा कि नहीं, बिजनेस है तो इनोवेशन होगा कि नहीं होगा? इन्वेस्टमेंट उद्देश्य नहीं है बिजनेस का, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट उद्देश्य नहीं होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत है? उद्देश्य नहीं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं होता है, तो अगर ये तो नहीं पूछ रहा ना, पूछ रहा है कि उद्देश्य नहीं है, तो भाई ये उद्देश्य थोड़ी है, पैसा लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है इनोवेट करना, कुछ नया आविष्कार करना,
हमारा उद्देश्य है प्रोडक्टिविटी, अपने उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाना। तो बिजनेस का उद्देश्य होता है उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाना, लाभ कमाना और कुछ नए आविष्कार करना, नए नए प्रोडक्ट बना के लेकर आना। हमारा उद्देश्य इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन ये सब काम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, बताओ अगला क्वेश्चन है। बोलता है बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे, हु सेड दिस अमंग द फॉलोइंग्स। अच्छा तुम लोग सब रट्टा मार के आए हुआ, कौन बोला है इस कथन को, व्हीलर बोला है। चलो इसका हिंदी भी एक बार देख लेते हैं। मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, कि कथन किसका है, व्हीलर का। हमको यहाँ से दिखता ही नहीं है, एंगल लेता है। बिजनेस रिस्क इज नॉट, यहाँ से पढ़ते हैं, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, बिजनेस रिस्क किसके कारण नहीं अराइज होता है बताओ। सरकार अगर नीति बदल दे तो बिजनेस रिस्क तो है। अब सामान बदल के बना के रख दिए, जैसे देखिएगा एक बार आया था BS6 इंजन गाड़ी, सरकार बोल दी कि BS6 इंजन गाड़ी 1 अप्रैल से बिकेगी, और आप शायद हमको लगता है 2-3 साल हुआ है, उसमें गाड़ी बहुत सस्ता हो गया था और BS4 इंजन जल्दी बेचना था क्योंकि 1 अप्रैल से BS6 बिकता। BS6 मतलब समझते हो जिसका लाइट जलता रहता है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि पोल्यूशन के कारण BS4 इंजन जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन देता है, तो उस गाड़ी को 1 अप्रैल के बाद बेचने से मना ही है। अब सोचिए कंपनी बना के रख दिया, अब मना ही कर दिया तो नहीं बिकेगा, फंस जाएगा ना माल। तो कंपनी क्या किया, सस्ते में, उस समय बोलता है कि रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं कोई बात नहीं, आधा पैसा है कोई बात नहीं, ले जाओ पहले, तुम बाद में हम वसूलेंगे तुमसे, लेकिन ले जाओ। तो बताइए बिजनेस को उसमें लॉस हुआ कि नहीं हुआ। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हम सज्जन होते हैं जो गाड़ी तो लगे, हाँ हाँ कोई बात नहीं बाद में पैसा दे देंगे, अब बाद में शोरूम वाला उसको ढूंढते हैं पैसा नहीं मिला, और जब पैसा ज़्यादा मांगने जाता है तो बोलता है ले जाओ गाड़ी, और गाड़ी का हाल ऐसा कर दिया है कि गाड़ी अपने चलने लायक नहीं है, उसको भी ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए। कुछ लोग हमारे गांव साइड में ऐसे सज्जन होते हैं जो ना सर्विसिंग कराया ना उसमें कभी मोबिल डाला, कुछ नहीं, चलाते रहो, जान रहा है कि फ्री का गाड़ी है, बस 10,000 दे के लाएँ, 10,000 वसूल लेंगे। तो ऐसे में कंपनी को लॉस हुआ और लॉस झेलना पड़ा, किसके कारण, सरकार की नीति बदल गई। अगर बताओ एम्प्लॉई बेईमान हो जाए तो नुकसान नहीं है, अगर एम्प्लॉई आपका बेईमान हो गया, कर्मचारी डंडी मारना शुरू कर दिया, पैसा लेना शुरू कर दिया, ये तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, तो नुकसान है, और नुकसान किसके कारण है। तो अच्छा प्रबंध अगर होगा ना, बढ़िया मैनेजमेंट होगा तो लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि लॉस किसके कारण नहीं आता है, तो किसके कारण नहीं आता है, गुड मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट के कारण लॉस बिजनेस में नहीं हो सकता। यानी मैनेजमेंट अगर अच्छा रहा तो कोई लॉस का चांस नहीं होगा, और ये दोनों से लॉस हो सकता है, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो सवाल ही नहीं, कोई दिक्कत है। अब आगे बोल रहा है हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द फर्म, फर्म को अनेक पार्टनर से बिजनेस को, एक पार्टनर से बिजनेस को जब वो रजिस्ट्रेशन कराता है तो कौन है जो उसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी करेगा बताओ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, सबको मालूम। अच्छा कंपनी को अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो तो उसका सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कौन जारी करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सरकार नहीं, सरकार किसी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देती। अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, और कंपनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कहाँ रहता है ये सब, हर राज्य की राजधानी में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रहता है। अगर आपको अपने कंपनी और अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है तो वहाँ जाकर भर दीजिए, वो आपको सर्टिफिकेट जारी कर देगा, वही सर्टिफिकेट के आधार पर आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो कौन जारी करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अब बताओ कॉमर्स पूछ रहा है, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स किसके अंदर आता है, देखो इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताया था क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी से शुरू होते हैं, क्या बताया गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या था, इसके अंदर तीन चीज़ बताए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर तीन था, पहला था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और कॉमर्स पूछ रहा है ना, बिजनेस के अंदर था कॉमर्स और इंडस्ट्री, यही ना था जी। अब देखो पूछ रहा है क्या, वो ठीक से देखो, यही ना था, तो बोला कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, सही तो है, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड नहीं, क्योंकि कॉमर्स के नीचे ना ट्रेड आता है, यहाँ पे ट्रेड आता है, तो ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स का पार्ट हो सकता है, कॉमर्स ट्रेड का पार्ट नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा बोलता है कि कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, इसका पार्ट ये क्यों होगा, इसका ना पार्ट है, ये इंडस्ट्री अलग है और ये अलग है, और ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता है, तो सही क्या होना चाहिए, याद आया, पढ़ाया गया था पहले। तो भैया जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ाया गया है, उनके लिए सारा क्वेश्चन आसान है, बैठ के वाले इसके एक बार प्रैक्टिस कर देना आसान है, जो नहीं पढ़े हैं
उनको अब ट्वेल्थ में ध्यान देना होगा। अभी तो सिर्फ ये याद कीजिए क्या उपाय है। बोलता है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार इंडस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ कॉमर्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। कौन है जो ये बोलता है कि इंडस्ट्री है वो कॉमर्स का ब्रांच है जिसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, जो क्या करता है धन का, धन के उत्पादन से। बोलता है उद्योग वाणिज्य का वह भाग है, उद्योग वाणिज्य का वह भाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है। किसका कहना है बताओ? एस आर डाबर का कहना है, ये हिंदी में यहाँ डाबा लिखा हुआ है, एस आर डाबर का कहना है। अब इसमें तो कोई उपाय नहीं, इसमें समझाने क्या है, किसी का कथन है तो उसको समझाया जा सकता है, कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एट जेनेटिक इंडस्ट्री है। बताओ जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जब हम उसके क्वालिटी में या उसके किस्म में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके उसके प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे गाय में देखिए, जानवरों में होता है जेनेटिक इंडस्ट्री कि उसके क्वालिटी को चेंज कर देते हैं। पहले की जो गाय थी वो कम दूध देती थी, अब गाय ज़्यादा दूध देती, तो आखिर कहीं ना कहीं उसके किस्म को सुधारा गया, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। तो अगर किसी प्रोडक्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव करके उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है तो उस इंडस्ट्री को बोलते हैं जेनेटिक। तो देखो तो किस किस में क्वालिटी को चेंज किया जा सकता है, एनिमल में ठीक है, क्वालिटी में आजकल का तो बड़ा दिक्कत है जी। आजकल मुर्गा मुर्गी जो है ना पोल्ट्री फार्मिंग वाला, वो तो 3 दिन में बड़ा हो जाता, पता नहीं कौन सुई भोगते थे, 3 दिन में बड़ा हो गया, 10 दिन में बड़ा हो गया, क्या खिला दिया पता नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया कि नहीं? अब गाँव वाला देखो कितना समय लग जाता है बड़ा होने में। तो फिर से ध्यान देना, एलिमन बिल्कुल सही है, पोल्ट्री बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं क्योंकि माइनिंग गड़बड़ है। माइनिंग में क्या होता है, ज़मीन के नीचे से कुछ निकाला जाता है, तो भैया ज़मीन के नीचे में क्वालिटी क्या चेंज करना है, जो निकलेगा सो निकलेगा। तो इसमें क्या सही जवाब होना चाहिए, माइनिंग सही जवाब होना चाहिए। माइनिंग एक ऐसा काम है जिसमें जो जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता है। बोलता है निम्न में से क्या जेनेटिक उद्योग के अंदर नहीं आता है, तो याद रखिएगा कौन नहीं आता है, खाना। अब देखो अभी समझा रहे थे आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्जुलरी और टू ट्रेड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क। इसमें से कौन है, ट्रेड का कौन सा फैक्टर है जो रिस्क से हमें बचाता है, अभी तो बता रहे थे, कौन ऐसा फैक्टर है जो हमें रिस्क से बचाता है, इंश्योरेंस ऐसा फैक्टर है जो हमको क्या करता है, रिस्क से बचा देता है। बैंक हमको रिस्क से नहीं बचाता है, कौन बचाता है, इंश्योरेंस। बीमा ऐसा तत्व है जो हम लोगों को किससे बचा देता है, इंश्योरेंस से बचा देता है, कोई दिक्कत है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हु कैन बी अ पार्टनर, कौन एक पार्टनर बन सकता है, एक पार्टनर कौन बन सकता है, एक व्यक्ति बन सकता है, फर्म बन सकता है, कंपनी बन सकता है, ऑल ऑफ दीज। ठीक से ध्यान दो, पार्टनर बनना है तो आपको बताया गया था कंपनी नहीं बन सकता है, फर्म भी नहीं बन सकता, केवल एक व्यक्ति ही पार्टनर बन सकता है, याद रखना एक व्यक्ति ही पार्टनर बन सकता है। अब तुम सोचोगे टाटा कंपनी को अपना पार्टनर बना ले, ये संभव नहीं है क्योंकि कंपनी पार्टनर नहीं बन सकता, कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी पार्टनर नहीं बन सकता, पार्टनर केवल एक व्यक्ति बनेगा, राम मोहन सोहन गणेश दिनेश एक व्यक्ति हो वही पार्टनर बन सकता है, दूसरा कोई पार्टनर नहीं बन सकता है। तो याद रखिएगा एक व्यक्ति पार्टनर बन सकता है। आगे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूटिलिटी, कौन है जो यूटिलिटी क्रिएट करता है, जो उपयोग बनाता है किसी चीज़ का, इंडस्ट्री क्रिएट करता है यूटिलिटी, बिल्कुल सही है, इंडस्ट्री क्या करता है यूटिलिटी की, ये तो बेचता है जी, सब काम बेचने का ही, सब यूटिलिटी थोड़ी क्रिएट करेगा, यूटिलिटी ये क्रिएट करता है, नहीं समझे। यूटिलिटी का मतलब है कि ऐसा बना देता है कि लोग उसको खरीद सके, फ्री में भी बहुत कुछ मिल रहा है मालूम है कि नहीं, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो फ्री में मिलता है लेकिन हम लोग उसको नहीं लेते, बहुत सारा है। एलोवेरा देखो फ्री में मिलता है, हम लोग उसको डायरेक्ट नहीं यूज़ करते, वही एलोवेरा जेल बना के दे देता है तो खरीद के 80 रुपये हम लगाते हैं चेहरे पर, तो कौन बनाया इसको। उसी तरह से पेड़ था, डायरेक्ट लाइव हम लोग लगा सकते थे, डायरेक्ट काट के लाते एलोवेरा जेल लगा देते, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाते क्योंकि डायरेक्ट लगाते तो अजीब लगता है, और उसी को क्रीम बना के थोड़ा सा उसमें बढ़िया सेंट डाल देता है तो लोगों को पसंद आता है, हाँ या नहीं। तो आखिर कौन ये काम कर रहा है जो उसका वैल्यू बढ़ा दे रहा है, जो उपयोग बढ़ा दे रहा है, तो ये काम करने का काम किसका है, इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री क्या कर रहा है, उसी एलोवेरा से जेल बना दे रहा है, उसी एलोवेरा को पीने लायक बना दे रहा है, फिर लोग एलोवेरा का पी रहा है कि हम स्वस्थ रहेंगे तो पिएंगे, जो फ्री में है नहीं पी रहा है, समझ गए। हम लोग के पास भी तरबूज है, हम लोग के पास भी अमरूद होता है, लेकिन हम लोग और वही रेस्टो में चले जाओ, उसी तरबूज को ऐसे तरीके से काट के प्रेजेंट कर देगा और वो 80 रुपये लेगा,
और यहाँ 20 रुपये में फेंका रहे हैं लेकिन घर में नहीं खाते हैं और वहाँ जाके 80 रुपये में खाएंगे, तो इसका मतलब वो क्या किया, उसी तरबूज का उपयोग आपको बता दिया, ऐसा डिज़ाइन लगाया कि उसके लिए पैसा दे रहा लोग, बात समझ गए, वही यूटिलिटी क्रिएशन होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बताइए हम लोग जो कपड़ा पहने अगर वैसे ही जैसे कपड़ा आता है वैसे ही दे देता है और लपेट के आते तो मज़ा आता, लेकिन कोई कंपनी कोई इंडस्ट्री ऐसा है जो इस कपड़े को अलग अलग रूप में लाया और उसको लोग खरीदता है, वो टी शर्ट बना दिया, शर्ट बना दिया, उसको बनाया ना कोई रूप में, किसी को कुर्ता बना के दे दिया, सब यूटिलिटी क्रिएट करने का, यूज क्रिएट करने का जो काम है वो किसका है, इंडस्ट्री का। कोई दिक्कत है, इंडस्ट्री ही यूज क्रिएट करता है, नहीं तो कोई यूज नहीं क्रिएट करता, बहुत सारा चीज़ है जो फेंका रहता है उसका उपयोग कौन बनाएगा, तो इंडस्ट्री बनाएगी। आगे बोलता है एवरी पर्सन हैज़ टू डू विच एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड, वो तो हर व्यक्ति जीवन जीने के लिए कौन सा काम करता है, सब जानते हो जीवन जीने के लिए क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी ना, अरे पैसा कमाओगे कि नॉन इकोनॉमिक, सेवा करोगे, जीने के लिए सेवा नहीं और उसके बाद इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों नहीं होता। अच्छा जीवन जीने के लिए अगर बोला जाए कि कौन सा काम करता है तो इकोनॉमिक ही बोला जाना चाहिए, वैसे दोनों भी ठीक है, इसमें नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक दोनों भी इसमें ठीक मार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको पैसा भी चाहिए और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, अच्छा भी मन में लगना चाहिए, खाली पैसा कमाने के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे दोनों भी बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप दोनों बोल सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए क्योंकि जीवन जीना है इसीलिए लाइवलीहुड बोली, अपने जीवन जीने के लिए उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बोलता है जीवन जीना नहीं लिखता ना, अब बोल देता अपने लाइफ में कौन सा एक्टिविटी करता है, तो दोनों सही था, ठीक है, तो जीवन जीने के लिए कौन सा एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें दिक्कत क्या है ना कि हिंदी अलग चल जाता है और इंग्लिश अलग चल जाता है, तो जो हिंदी वाला बच्चा होता है उसको दिक्कत होता है वहाँ। विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्ड कोड ऑफ कंडक्ट, बताओ जी सर्वे बच्चे पढ़े हैं किसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रोफेशन ही है जैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग आचार संहिता लगता है, आचार संहिता मतलब नियम कानून। अगर जो डॉक्टर के पास चले गए, ध्यान दीजिए, डॉक्टर के पास चले गए और बहुत सीरियस पेशेंट है तो डॉक्टर क्या करेगा, अभी के समय में थोड़ा सा लोग गलत हो गया है, लेकिन पहले के समय में डॉक्टर क्या करता है, पहले जान बचाता है, पहले पैसा, पहले जान बचाता, अब थोड़ा सा बदल गया लोग, पहले बोलता है कि पैसा भरो। लेकिन ये प्रोफेशन ऐसा चीज़ है जहाँ कोड ऑफ कंडक्ट, पहले जान बचाएगा देन पैसा आप देते रहो, अब बिजनेसमैन वो नहीं देखेगा, उसको पहले पैसा चाहिए, तो इसीलिए कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशन सब किसके अंदर आता है, प्रोफेशन के अंदर आता है। उसके आगे लिखा है सोल ट्रेड हैज़, सोल ट्रेड का क्या ऑब्जेक्टिव होता है बताओ, एकाकी व्यापार अगर हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, सेवा करने के लिए या कमाने के लिए, तो सोल ट्रेड क्या रखता है, एक अकेला कोई धंधा खोल के रखा है तो नॉन इकोनॉमिक तो सवाल ही नहीं, खाली पैसा उसको दिखता है, कौन सा एक्टिविटी करेगा। अच्छा कंपनी का कौन सा एक्टिविटी होगा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक या बोथ, कंपनी बोथ करता है, कुछ पैसा कमाने के लिए काम करता है, कुछ नहीं पैसा कमाने के लिए काम करता है। जैसे आप लोग हॉस्पिटल गए कभी, बीमार पड़ के नहीं ऐसे देखिएगा बैठने के लिए, तो देखना वहाँ जो चेयर लगा रहता है ना, जैसे यहाँ हजारीबाग में जाओगे लिखा रहेगा NTPC द्वारा वित्त प्रदत्त, पंखा में देखोगे NTPC द्वारा प्रदत्त, तो भाई NTPC क्यों दिया इसको पंखा, पागल है, धंधा करके कमा रहा है अपने और NTPC दे रहा है, बताओ। टाटा भी IPL करा रहा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल टाटा IPL, ये नमक बेच बेच के 2-2 रुपया कमाया है, टाटा IPL करा रहा है, बताओ इतना खर्चा करा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है या नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक कर रहा है। बोलता है हमारे कारण अगर खेल खिलाड़ियों को प्रमोशन मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं वो आएँ अपना परफॉर्मेंस दिखाएँ, और उसके कारण आपको भी मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी बन के आए, IPL नहीं होता तो ऐसे खिलाड़ी दबे रह जाते, उनको कहीं मौका नहीं मिलता, इसीलिए ऐसे खिलाड़ियों को मौका देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो टाटा अपना IPL करा रहा है कि हम भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, हम पूरा IPL का जिम्मा लेते हैं, तो ये क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो कंपनी है वो दोनों काम करता है, लेकिन सोल ट्रेडर खाली एक चीज़ देखता है, पार्टनरशिप भी क्या देखेगा, एक चीज़ या दो चीज़, एक पार्टनर को भी एक ही बहुत समाया है, हमको कमाना भैया, वो सब नहीं चलेगा उधार उधार, तो पार्टनरशिप में भी क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। आगे चलते हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस इंडस्ट्री, बताओ इसमें कौन है जो सर्विस इंडस्ट्री में नहीं आता है, ये सर्विस है, ये भी सर्विस है, ये भी सर्विस है, तो कैटल जो है कभी भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता, तो बताओ किसके अंदर आता है,
तीन इंडस्ट्री होता है, प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस। ये प्राइमरी में आता है, ये किस में आता है? प्राइमरी में। और ये तीनों आता है सर्विस में। अच्छा, द लाइफ ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज, सोल ट्रेड बिजनेस का लाइफ लंबा होता है या अनस्टेबल होता है? अस्थिर होता है, पता नहीं कब चल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई दिक्कत है? और कंपनी का लाइफ स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, लंबे समय तक कंपनी चलेगा। और ये कुछ समय तक चलेगा, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कब ख़त्म हो जाए। जैसे अब कोई पान का दुकान खोल के बैठा है, तो जो आदमी जब चला रहा है पान का गुमटी, अगर उसका डेथ हो गया तो क्या लगता है? उसका बेटा चला गया, इसकी गारंटी हो सकता है उसका बेटा पढ़ने में तेज़ हो और इंजीनियरिंग कर लिया हो, वो कहीं दिल्ली में काम करता हो, तो क्या करेंगे? इंजीनियरिंग छोड़ के पान गुमटी? तो इसकी गारंटी नहीं है कि सोल ट्रेडर का धंधा बंद हो जाएगा मरने के बाद। लेकिन बताओ जी, कंपनी अगर रहता तो एक मरेगा दूसरा चलाएगा, दूसरा मरेगा तीसरा चलाएगा। तो कंपनी का लाइफ लंबा होता है और सोल ट्रेड का लाइफ छोटा होता है, कभी भी जा सकता है। बोलता है प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम? इसका नाम से सुन बता दोगे? बताओ। बोलता है कि अपने सदस्यों को लगातार मार्केट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा सोसाइटी काम करता है? लिखा भी है, ठीक से ध्यान देना, ठीक से पढ़ो। मार्केट प्रोवाइड करने के लिए कौन सोसाइटी काम करेगा? नाम ही तो मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी काम करेगा। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। अब 20 नंबर में बोलता है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। बताओ प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है या चेंज? अनसर्टेन। प्रेफरेंस शेयर अभी पढ़े हो ट्वेल्थ में भी भाई साहब, प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है, सर्टेन होता है। यहाँ लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर, तो 10% ना डिविडेंड मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है। कोई दिक्कत किसी को? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजनेस एक्टिविटी? इसमें से कौन ऐसा है जो बिजनेस एक्टिविटी है? थोड़ा ध्यान देना, इसको हिंदी में भी समझा देते हैं, इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में देख लिए, हिंदी में भी देखिए। निम्न में से कौन है जो व्यावसायिक क्रिया है? अच्छा, माल का क्रय विक्रय बिजनेस है, तो ट्रेड किसको बोलें? माल को खरीदना और बेचना बिजनेस है, तो ट्रेड किसको बोलते हैं? ट्रेड मतलब माल का खरीदना बेचना है, तो ट्रेड ना है जी। बिजनेस क्या है? ग्राहकों के साथ धोखा देना बिजनेस है? नहीं। सरसों का तेल में मिलावट करना बिजनेस है? अच्छा, पूछ क्या रहा था? व्यवसायिक क्रिया है, बिजनेस एक्टिविटी। हाँ ठीक है, ठीक है। मंदिर में पूजा करना, यहाँ ध्यान देना, बिजनेस फर्स्ट वाला ही होगा, फर्स्ट वाला। यहाँ बिजनेस एक्टिविटी पूछ के और सारा नॉन बिजनेस एक्टिविटी बता दिया, तो इसका मतलब है यहाँ गलती लिखा है। क्वेश्चन लिखना चाहिए विच, यहाँ लिखना चाहिए इसमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? आर्थिक। गलती से व्यवसायिक लिख दिया, अब सही है। विच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से कौन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूछना चाहिए, नहीं है नहीं। इसमें से कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी है बताओ? ये इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है? ये सब बिजनेस में नहीं होना चाहिए। बिजनेस में क्या होना चाहिए? माल का क्रय और, गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है। आगे लिखता है, बताओ इसमें से कौन सोल ट्रेड का लिमिटेशन है? इसमें से कौन एक ऐसा है जो सोल ट्रेड बिजनेस का लिमिटेशन, यानी सोल ट्रेड बिजनेस में होना चाहिए? तो बोलता है लिमिटेड मैनेजर स्किल, लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बताइए, ऑल ऑफ दीज। सब समस्या ही तो है, पैसा दिमाग ज़्यादा नहीं रहता है, पैसा भी कम रहता है और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहता है। तीनों का तीनों समस्या है, प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है सोल ट्रेड बिजनेस का। कोई दिक्कत किसी को? चलिए उसके आगे चलते हैं। बोलता है इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम इज अर्न्ड थ्रू प्रॉफिट। अभी तो बता चुके हैं कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ प्रॉफिट से हम लोग इनकम कमाते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट से कमाते हैं हम लोग इनकम, अभी तो बता चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें कंटिन्यूटी का फ़ायदा मिलता है, लगातार बिजनेस करने का उसका फ़ायदा मिलता है? कौन सा ऐसा बिजनेस करने का तरीका है जिसमें कंटिन्यूटी का फ़ायदा मिलता है, लगातार बिजनेस करने का फ़ायदा मिलता है? कंपनी। बिल्कुल सही जवाब है। क्या जवाब है? कंपनी। कंपनी कंटिन्यू रहता है ना, इसी को फ़ायदा मिलता है कंटिन्यूटी का, तो कंपनी इसका सही जवाब होगा। सारे बच्चे इसको लिखेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? मालिक होता है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? मालिक। यानी समतांश
समता कंपनी के संतानधारी कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। कंपनी के संतानधारी कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ आर्टिकल, ध्यान दो, ये बताए थे, इन द अब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन सा टेबल लगेगा? बताओ, टेबल एफ। हाल फिलहाल में 12th में बताएं, 11th में भी आपको बताया गया था कि टेबल एफ का इस्तेमाल होगा अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनता है तो। बताओ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा? मैक्सिमम पूछ रहा है गुरुजी लोग। प्राइवेट कंपनी में यहाँ देखो गलत है, 200 करना, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत छाप दिया था पिछले बार। 50 बहुत पहले होता था 2013 से पहले, 2013 के बाद वो कितना हो गया? 200। तो याद रखना है कितना होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक प्राइवेट कंपनी कितना होना चाहिए? 200। तो यहाँ 200 होना चाहिए, सही 200 कर दिए, चेंज कर लीजिएगा इसको। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ रहा है भारत में? इसको हिंदी में बोलते हैं अगर वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण अगर होगा तो इससे भारत में क्या फायदा असर पड़ेगा? देखिए तो भारत में उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, विकास दर में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, ऑल ऑफ देश सब फायदा हुआ है। आगे बोलता है रेफर्स टू द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। इसमें से कौन सा ऐसा संगठन है बिजनेस का जो अपने सदस्यों की भलाई के लिए जुड़ा हुआ है? अपने सदस्यों की भलाई के लिए चलने वाला संगठन क्या कहलाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा संगठन है जो अपने सदस्यों की भलाई के लिए काम करता है, इसका पर्पस ही है अपने सदस्यों की भलाई करना। उसके बाद बोलता है सेंट्रलाइज कंट्रोल इन MNCs इंप्लाइड कंट्रोल एक्सरसाइज भाई, बताइए मल्टीनेशनल कंपनी अपना पूरा कंट्रोल कैसे करता है? ब्रांच खोल के या हेडक्वार्टर से या सब्सिडी से? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना सारा कंट्रोल किसके से करता है? हेडक्वार्टर से, एक जगह हेडक्वार्टर रखता है और वहीं से सारे पूरे बिजनेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं वो 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बताओ इसमें कौन है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम कर रहा है? तो ये तीनों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये तीनों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, यानी यहाँ पे रचनात्मक काम होता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। बोलता है ये बताओ इस परिभाषा किसका दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्या लिखा है? प्रोफेशन इज दैट हु डील्स ऑलमोस्ट एंटायरली विथ पर्सन्स एंड यूजेज पर्सनल स्किल और सर्विसेज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। ये किसका कहना है? फर्स्ट ये कहना है WR Spiegel का। बताओ, बोलता है इंडस्ट्री ऑप्टेन मैन्युफैक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री किस तरह का गुड्स बनाता है? कैपिटल गुड्स बनाता है, कंज्यूमर गुड्स बनाता है, बोथ और नन ऑफ दीज, बताइए। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री हो तो दोनों गुड्स बनाता है, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है? इसका सही जवाब बोथ होगा। अंतर क्या है? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होगा जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाएगा, और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होगा जो इंडस्ट्री के पास जाएगा, मशीन वगैरह जैसे। अब बताओ जी चिप्स बनाने का मशीन है तो उसको हम लोग खरीदते हैं, कंज्यूमर खरीदता है या इंडस्ट्री खरीदता है? जूता बनाने का मशीन है तो कंज्यूमर खरीदता है कि इंडस्ट्री खरीदता है? तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स, उसको इंडस्ट्रियल गुड्स को ही हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। और एक होता है कंज्यूमर गुड्स, तो जो इंडस्ट्री है वो दोनों बनाता है, इंडस्ट्री के लिए भी सामान बनाता है और कंज्यूमर के लिए भी सामान बनाता है। बता इनटू विच कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कैन शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी बी क्लासिफाइड, बताओ। शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी किसके अंदर आएगा? प्राइमरी तो नहीं होगा, सेकेंडरी होगा ना? इसका सही जवाब क्या होगा? सेकेंडरी। इसका सही जवाब है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आता है, तेल सोधा कंपनी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसमें से कौन है जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है? अभी तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया, इन्वेस्टमेंट ना, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है इन्वेस्टमेंट, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग,
इसमें कौन ऐसा है जिसमें एकदम चाहिए, बढ़िया नॉलेज चाहिए, क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग जबरदस्त होना चाहिए, वो है प्रोफेसर। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, भैया नॉलेज जबरदस्त होना चाहिए तभी होगा। आगे लिखा था मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फायर इंश्योरेंस क्यों करवाता है लोग? लाभ कमाने के लिए, विनियोग के लिए या क्षतिपूर्ति के लिए? हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाता है? क्षतिपूर्ति। हेल्थ इंश्योरेंस भी क्षतिपूर्ति, फायर इंश्योरेंस भी क्षतिपूर्ति, थेफ्ट इंश्योरेंस भी क्षतिपूर्ति। चोरी का बीमा क्यों कराते हैं? पैसा कमाने के लिए। चोरी नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, चोरी होगा तभी ना मिलेगा। तो ये सब हम लोग करवाते हैं कंपनसेशन के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षतिपूर्ति, या इसको हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी। क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी। मतलब है कि जब आग लगेगा तो ही पैसा मिलेगा, आग नहीं लगेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। 38 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल फ्लेज पार्टनर। बताओ इसमें फुल फ्लेज पार्टनर के अंदर कौन नहीं आता है? नोट लिखा है ना, कौन नहीं आता है? फुल फ्लेज पार्टनर के अंदर कौन नहीं आता है? होल्डिंग आउट, ये तो फुल फ्लेज है नहीं, तो याद रखिएगा फुल फ्लेज पार्टनर के अंदर आता है, नहीं आने वाला पार्टनर कौन है? होल्डिंग आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एन एक्जुलरी ऑफ ट्रेड। बताओ इसमें कौन एक्जुलरी ऑफ ट्रेड नहीं है? इंश्योरेंस चाहिए ना, ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, वेयर हाउसिंग चाहिए ना, माइनिंग। माइनिंग जो है वो व्यापार का सहायक तत्व नहीं है, माइनिंग नहीं चाहिए, माइनिंग हमारा इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है द काइंड्स ऑफ शेयर, इसको बताने की जरूरत है। दो कौन कौन? पहला इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दो तरह के शेयर जारी किए जाते हैं। तो ये बिजनेस स्टडीज़ का हम लोग एक सेट कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग सेट टू में चलेंगे।